नमस्कार, स्वागत है आपका आदि टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है भोपाल से, नीट जेईई मेन परीक्षाओं का मामला। तो भोपाल से ये खबर है, छात्रों के लिए सीएम शिवराज का अहम फैसला। तो कई दिनों से जो है परीक्षा केंद्र तक छात्रों को दी जाएगी निःशुल्क परिवहन की सुविधा। परीक्षार्थी को 181 और एमपी ई पास पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। एक सहयोगी को भी मिलेगी निःशुल्क परिवहन की सुविधा। जिला प्रशासन परीक्षार्थियों को उपलब्ध करवाई जाएगी सुविधा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, छात्रों के लिए सीएम शिवराज ने एक अहम फैसला लिया है, जेईई और नीट परीक्षाओं के लिए एक अहम फैसला यहां पर लिया गया, क्या कुछ जानकारी? कई सारी राज्य सरकारें पहले तो इस पक्ष में ही नहीं थी कि नीट और जेईई की परीक्षा हो। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर परीक्षा होना चाहिए, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो सकता है। इसके बाद उन्होंने राज्यों को भेजा कि वो अपने हिसाब से निर्णय ले, लेकिन यूजीसी को इसकी जानकारी जरूर दें। अब चूंकि फैसला हो गया था कि परीक्षा होना ही है, इसके बाद मध्य प्रदेश में बस चालकों ने हड़ताल कर रखी है, ट्रेन सेवाएं पूरी तरह से चल नहीं रही है। और जो छात्र थे उनके सामने संकट यह था कि परीक्षा केंद्र से अगर उनको जाना होता या तो निजी साधन से जाते या टैक्सी करते या किसी और साधन से, तो इन सबको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि परीक्षा केंद्र तक उनके सहयोगी के साथ, यानी कोई छात्र अपने किसी माता पिता दोस्त भाई जिसके साथ जाना चाहेगा तो सुविधा दी जाएगी। तो उन छात्रों के लिए बड़ी राहत की बात हुई है जिनके पास कोई साधन नहीं था, ये जो परीक्षा में बैठना चाह रहे थे लेकिन मजबूर थे, तो अब ऐसे में सारे छात्र पहुंच पाएंगे। और इसको लेकर जो केंद्रीय मंत्री है पोखरियाल, उन्होंने जो अनुरोध किया था राज्य सरकारों से कि अपने स्तर पर इसका निर्णय लें और छात्रों के लिए उचित कदम उठाए। जी शुक्रिया मनोज जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार जिस तरीके से इस मामले को लेकर एक अहम फैसला यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से लिया गया है, जिला प्रशासन परीक्षाओं को परीक्षार्थियों के लिए ये सुविधा देगा, निःशुल्क जो है परिवहन की सुविधा देगा। काफी दिनों से ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में था और अब इसको लेकर एक अहम फैसला सीएम शिवराज की तरफ से दिया गया है।